नमस्कार दोस्तों कैसे हैं होपफुली सारे अच्छे होंगे और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर से जो भी ऑफिशियल no नोटिफिकेशन है उसे ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग पेंशन एंड जितने भी हमारे हाई कोर्ट या हॉन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कितने भी केसेस रहते हैं तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं बड़ा ही यू नो गुड मैनर में आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करें इन अ वेरी क्विक शॉर्ट रिव्यू दे दें आपको सो so, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द अपडेट दैट इज़ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर सो लेट स्टार्ट विद द ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं अडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असाइंड बाय मिस्टर संजीव नारायण माथुर थर्ड ऑफ मार्च का ये सर्कुलर है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस सी आगे अदर जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग नॉर्थ ब्लॉक न्यू डेली तो सभी को यहाँ ये सर्कुलर उन्होंने आगे रेफर करा हुआ है फ्रेंड्स सो यहाँ पर जो एग्जैक्ट सर्कुलरस हैं सो आप देख सकते हैं सो so, यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स हैं वन टाइम ऑप्शन सो देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसिस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशन वेलफेयर न्यू डेली थर्ड मार्च ऑफिशियल मेमोरेंडम सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज रिगार्डिंग कवरेज अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल इन प्लेस ऑफ एन पी एस ऑफ दो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु वर रिक्रूटेड अगेन द पोस्ट वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट ऑन और बिफोर ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर टू जीरो जीरो थ्री तो ये इंपॉर्टेंट है तो इसमें क्या हुआ द अंडर साइन इज डायरेक्टेड इन से दैट द कॉन्स्टिटेंट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एन पी एस वाइड मिनिस्ट्री ऑफ डेटेड जो उनका नोटिफिकेशन आया था ट्वेंटी टू जीरो फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फोर टू द पोस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसज एग्जैम फोर्सेज आर मैंडेटरी कवर्ड अंडर द स्कीम सो जो भी हमारे सेंट्रल सिविल सर्विसेज Rules 1972 and other connected rules were also amended, via notification dated uh, 30th December 2003. And after the said amendment, these rules are not applicable to the government services appointed to government services after 31st December 2003. तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेन्ट है वो यहाँ पे आप लोग साथ बड़ा शॉर्ट व्यू में दे देते हैं. Subsequently, जो डिपार्टमेंट रहेगा of Pension Pension Welfare in consultation with Department of Personal and training and Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of various representations, refer, references, and decisions of home level court, giving one-time option to central government employee who are declared successful for recruitment in the result declared on or after 31st uh, December 2003 against vacancies uh, which occurred before 1st January. एंड वर कवर्ड अंडर एन पी एस ऑन और आफ्टर फर्स्ट जनवरी टू जीरो ज़ीरो फोर टू बी कवर्ड अंडर द सी सी एस रूल तो उन्हें अब सी सी एस रूल में यहाँ पर अप्लीकेबल है नो टू ज़ीरो ट्वेंटी वन सो देयर वॉज़ फिक्स टाइम स्केड्यूल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ अंडर द फोर सेट ओ एम डेटेड सेवनटीन ऑफ फरवरी टू ज़ीरो ज़ीरो ट्वेंटी तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स So, representations has been received in this department from the government services appointed on or after 1st Jan B 2004 requesting for extending the benefit of pension rules under Central Civil Services Rules 1972 on the ground that their appointment was made against the vacancies and advertised uh, notified for recruitment prior to notification to NPS referring to court judgment of various Home Level High Court and Home Level Central Admission Tribunals Allowing such benefits to the applicants So what is important important? This fourth jo paragraph is quite important hai. So the matter has been examined In consultation with Department of Financial Services DFS, Department of Personnel and Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in light of various representative references And decisions of courts in this regard so, it has now been decided that in all cases where the central government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised and notified for recruitment appointment prior to date of notification for NPS, that is 22nd of December 2003, and is covered under the NPS on joining services on or after 1st January 2004, may be given one time option. उन्हें यहाँ पे एक वन टाइम ऑप्शन मिलेगी टू बी कवर्ड अंडर सी सी एस रूल्स नाइनटीन सेवनटी टू सो दिस ऑप्शन मे बी एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स लेटेस्ट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक उनके पास एक वन टाइम ऑप्शन यहाँ पे दे दी गई है द ऑप्शन वन एक्सरसाइज शैल बी वो यहाँ पे फाइनल रहेंगी सो दोज गवर्नमेंट हु आर एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन इन अकॉर्डेंस विद द पैरा पैराफोर बट हु डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बाई स्टिपेड डेट शेल कॉन्टीन्यू टू बी कवर्ड बाई एन पी एस वो एन पी एस में ही यहाँ पे दोस्तों बने रहेंगे सो so, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग सो so, इसके अलावा जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं द मैटर रिगार्डिंग कवरेज द सी सी एस नाइनटीन सेवनटी टू नॉ टू जीरो ट्वेंटी वन बेस्ड ऑन द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स शेल बी प्लेस बिफोर द एपलेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द पोस्ट फॉर विच सच ऑप्शन इज बींग एक्सरसाइज फॉर कंसिडरेशन इन अकॉर्डेंस विद दिस इंस्रक्शन सो इन केस द गवर्मेंट सर्वेंट फुलफिल द कंडीशन फॉर कवरेज अंडर द सी सूल नाइनटीन सेवनटी टू इन अकॉर्डेंस विद दिस इंस्ट्रक्शनस नसेसरी ऑर्डर इन दिस रिगार्ड शैल बी इशूड लेटेस्ट बाय थर्टी फस्ट अक्तूबर तो थर्टी फस्ट अक्टूबर तक वो हो जाने चाहिए सो एन पी एस अकाउंट ऑफ सच गवर्नमेंट सर्विसज सेल सॉन्क्टली वी कलोज विद अफेक्टिंग फ्रॉम थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू जीरो ट्वेंटी थ्री तो वो बंद हो जाएंगे फ्रेंड्स सो so, आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट अपडेट है सो एडजस्टमेंट ऑफ इम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन अकाउंट्स अमाउंट में बी क्रेडिटेड टू इंडिविजुअल जी पी एफ अकाउंट एंड अकाउंट में बी रिकास्टेड परमिटिंग अप टू डेट इंटरेस्ट एडजस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एन पी एस इन अकाउंट्स ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू दिस ऑर्डर्स विदाउट फेल तो इसकी पब्लिसिटी तो हम लोगों ने भी कर दी है केस ऑफ दिस गवर्नमेंट सर हु फुलफिल द कंडीशन मैं दिस ओ एम एंड एक्सरसाइज ऑप्शन टू विच स्विच ओवर टू पेंशन रूल अंडर सी सी एस मे बी सेटल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इन इनकॉर्डर विद दिस ऑर्डर सो द इशू इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फांस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड आई डी नंबर दिस एंड इन कंसल्टे विद कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट वाइड आई डी नंबर दिस डेटेड ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर टू जीरो ट्वेंटी टू सो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी सो so, दोस्तों अगर अच्छा लगा तो आगे शेयर जरूर कर देना और फॉर द लेटेस्ट जो भी पेंशन की अपडेट्स रहती हैं यहाँ पर चैनल के साथ जरूर बने रहें सो टेल देंस टेक केयर बाय बाय ऑल और प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर सही लगा